अभी कुछ दिन पहले इस चुनाव के संदर्भ में हम कुछ गांधीवादी लोग, हम अपने को बापू के लोग मानते हैं, बेंगलुरु में मिले थे हम। बापू के लोग बहुत दिन चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला है। हमें लगा कि ये बोलने का वक्त नहीं है। काफ़ी साल तक गांधी जी को बहुत लोगों ने बर्बाद किया, बहुत खराब बात गांधी जी के बारे में बोला, तभी हम चुप रहे, क्योंकि हमें लगा कि गांधी जी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है। गांधी जी अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर अब हमें लग रहा है कि हमें बोलना है। और वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि दो चीज़ खतरे में है आजकल। एक चीज़ ग्राम स्वराज है, एक चीज़ बेरोजगारी का समस्या। ग्राम स्वराज, ग्राम भारत इतना बर्बाद हो गया है, और उस वजह से ग्रामीण निरुद्योग, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि सोचो मत। और दूसरी तरफ पूरा देश सत्ता में जो है, वो सरकार और बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग इस देश को एक नगरी देश, अर्बन सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं। ये जो अर्बन सिविलाइजेशन बनाने का काम इतना असह्य ढंग से चल रहा है, सोचिए मत। मुझे मालूम नहीं आप रामायण को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। मैं अभी पढ़ रहा था फिर से रामायण में जो सुंदर कांड है, उसमें लंका का वर्णन आता है, और उस वर्णन को हनुमान के मुंह से वो पूरा वर्णन दिया गया है। वो जो असह्य नगरी है ना, एरोगेंट नगरी, कुबेर वाले नगरी, पैसे वाले नगरी, गर्व के नगरी जो वहाँ दिखाया गया है, वो हो रहे हैं। वो होने के लिए हम एक तो ग्राम स्वराज को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा है ये जो आजकल के मौसम है उसको हम ले आ रहे हैं। मतलब जिस चीज़ को इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज क्राइसिस कहते हैं, उसको हमने इस कारण, इस अर्बनाइजेशन के कारण लाए हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन, ये जो रावण नगरी बनाने का काम, ये गांधी जी का काम नहीं है। गांधी जी राम के बहुत बड़े भक्त थे, और उनके लिए ग्राम स्वराज राम राज्य था। आज राम के नाम पे राम राज्य को हटा दिया गया है, राम के नाम के सीता देवी को हटा दिया गया है। अकेले राम का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमें लगता है, हमें गांधीवादी लोगों को, इसको हम रोकेंगे नहीं तो हम सब जल जाएंगे। ये मेरे बात नहीं है, विज्ञानी लोग, साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पूरा मनुष्य जाति खत्म हो जाएगा।
ये जो गांव है जहां मैं बैठा हूं, श्रमजीवी आश्रम जहां है गोडू, यहां कभी भी इस समय में 32-33 से ऊपर होता नहीं था टेम्परेचर। इस बार 38 से ज्यादा हो गया है और पेपर्स कह रहे हैं कि 40 तक हो सकता है। सोचिए 6-7 डिग्री ऊपर है गर्मी। सिर्फ ये गर्मी नहीं, ये गर्मी ज्यादा बढ़ गया है, झगड़ा बढ़ गया है धर्म धर्म के बीच में, लोगों के बीच में, ऊपर और नीचे वाले लोगों के बीच में झगड़ा बढ़ गया है। पता नहीं क्यों हम एक पूरे देश को कुबेर के नगरी, लंका नगरी बनाना चाहते हैं, और वो भी गुजराती कुबेर के नगरी। क्यों? क्या राम राज्य ऐसे ही था क्या? ये सब सोचकर हमें लगता है ये जो सत्ता में लोग हैं उनको सत्ता में फिर से नहीं आना चाहिए। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, कल कोई दूसरा सत्ता में आते हैं उनको हम साफ साफ कहेंगे, भैया तुम ये जो 70-30 इकोनॉमी जो है, 70-30 आर्थिकता, जिसमें मनुष्य का जो काम कनिष्ठ 70%, 70% हो और यंत्रों का काम 30 से कम हो, ये नहीं होता है तो उनको भी हराएंगे। उनके आगे और कोई आता है उनको भी हराएंगे। ये गांधी को बचाने का काम नहीं है, गांधीवाद को बचाने का काम है, ये राम को बचाने का काम है। अयोध्या में हम मंदिर तो बना लिया, मगर मंदिर में किसको बिठाया है हमने? राम को बिठाया है क्या? नहीं, क्योंकि राम राज्य से बिना राम होता ही नहीं है। राम वापस जाने के बाद अयोध्या लंका नगरी जैसे नहीं था, वो था जिसमें बहुत साधारण लोग अच्छे ढंग से जी सकते थे, डिग्निटी के साथ जी सकते थे। गांव गांव रहा और गांव में रहकर लोग खुश थे। अभी तो लोग भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, और 2 कौड़ी के लिए भटक रहे हैं। नहीं, ये तो शर्मनाक बात है, इसको बदलना है, इसको बदलना है। राम को मेरे दिल में लाना है, आपके दिल में लाना है। राम राज्य को मेरे दिल में लाना है, आपके दिल में लाना है। ग्राम स्वराज्य को मेरे दिल में और आपके दिल में लाना है। हम भी भागीदार है इस राक्षसी कृत्य में। हम भी वो कुबेर नगरी बनाने का ये काम में हम भी भाग लिया है, हमें भी बदलना है। मैं ये सब कहने के लिए मैं सक्षम हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसे ही जी रहा हूँ। मैं बहुत पैसे में जी सकता था, मैं बड़े बड़े फिल्म स्टारों को एक्टिंग सिखाता हूँ, मगर मैं वो जो एक्टर लोग हैं, फिल्म स्टार लोग हैं, उनको भी यहीं सिखाता हूँ, और उनमें से बहुत सारे लोग इससे बहुत खुश है। लोग बदल रहे हैं, पर क्या है, बदलने वाले लोग, ग्राम के तरफ जाने वाले लोग कम हैं और कुबेर नगरी के तरफ जाने वाले बड़े हैं। हमें ये चीज़ बदलना है, आपको बदलना है। पहला काम इस चुनाव में कीजिए, सत्ता को बदलिए, उसके बाद में आप बदलिए। आप बदलेंगे तो आपके बच्चे जिंदा रहेंगे, नहीं तो वो मर जाएंगे। नमस्कार।